चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर, जो कि हम लोग कोशिश करेंगे कंप्रेसर को थोड़ा अच्छे से पढ़ाया जाए और इसका उपयोग कहाँ करेंगे, क्यों पढ़ते हैं, उस सारा चीज डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक या फंडामेंटल ऑफ कंप्रेसर, मीन्स क्या कंप्रेसर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसमें बारीक बारीक से देखेंगे कि कंप्रेसर क्या होता है। तो सबसे पहला सवाल ये है, कंप्रेसर होता क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि कंप्रेसर मीन्स प्रेशर क्रिएट करना, जो प्रेशर को इंक्रीज करता है, जो प्रेशर को बढ़ा देता है। नाम से ही पता चल रहा है कंप्रेसर, तो इसको कह सकते हैं इट इज यूज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ फ्लूड टू हायर प्रेशर। मीन्स आप कह सकते हैं कि हायर लोअर प्रेशर से, मीन्स यदि कोई सिस्टम है उसका प्रेशर लो है, उसको हम लोग क्या करेंगे, हाई प्रेशर में क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर। जैसे आप कह सकते हैं क्या, जैसे हम लोग क्या बोले फ्लूड टू हायर प्रेशर, फ्लूड के रूप में क्या हो सकता है, ये तो सिस्टम में गैस हो सकता है या तो सिस्टम में वेपर हो सकता है। तो यदि सिस्टम में गैस हो या वेपर, कुछ भी पॉसिबल है, वर्किंग फ्लूड हम लोग क्या बोलेंगे, गैस या वेपर बोलेंगे। तो कह सकते हैं जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक कंप्रेसर है, ये क्या है, एक कंप्रेसर है, ये क्या है, यहां से इनलेट है, तो निश्चित तौर पे यहां पे क्या है, आउटलेट है, यहां कह सकते हैं इनलेट, इनलेट यहां कह सकते हम लोग क्या, आउटलेट, ये आउटलेट हो। तो निश्चित तौर पे यहां से प्रेशर क्या है, लेस है, यहां प्रेशर हाई, तो पी टू ग्रेटर देन पी वन। तो जनरली हम लोग बता भी चुके हैं कंप्रेसर क्या करता है, वर्क कंज्यूमर डिवाइस है, ये वर्क को कंज्यूम करता है, वर्क प्रोड्यूस नहीं करता है। वर्क प्रोड्यूस कौन करता है, तो टर्बाइन करता है, लेकिन ये वर्क को कंज्यूम करता है, वर्क को लेता है। तो हम लोग कैसे, बिना देखे हुए यदि प्रेशर दे दिया जाए, इनलेट प्रेशर और आउटलेट प्रेशर दे दिया जाए, तो कैसे समझेंगे कंप्रेसर वर्क कंज्यूमर है या वर्क प्रोड्यूसर है। तो देखिए इनलेट प्रेशर आउट प्रेशर को देखिए, इनलेट प्रेशर और आउटलेट प्रेशर को देखेंगे, यदि इनलेट प्रेशर क्या है, लेस है, आउटलेट प्रेशर क्या है, ज्यादा है, मीन्स लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर मूव करता है। तो यदि कोई भी डिवाइस लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर मूव करता है तो हम लोग बोलेंगे क्या, वो सिस्टम, वो डिवाइस, वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, वर्क कंज्यूमर डिवाइस है। लेकिन यदि आप देखते हैं क्या टर्बाइन में, तो याद कीजिए टर्बाइन हम लोग क्या पढ़े थे, ये था टर्बाइन, ये था टर्बाइन आपका इनलेट और ये क्या था आउटलेट, ये था आउटलेट और ये था क्या इनलेट, इनलेट था, ये था आउटलेट। श्योर है यहां पे इनलेट प्रेशर यदि मानते हैं पी वन, यहां पे मानते हैं आउटलेट प्रेशर पी टू, तो श्योर है टर्बाइन में क्या होता है, पी वन जो है ग्रेटर होता है पी टू। तो यहां कह सकते हैं पी इन जो है ग्रेटर है पी आउट से। तो यदि प्रेशर जो है हाई प्रेशर से लेस प्रेशर की ओर मूव करते हैं उसको बोलते हैं वर्क प्रोड्यूसर डिवाइस, प्रोड्यूसर डिवाइस बोलते हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, लेस प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जा रहे हैं, इसका मीनिंग है कि ये क्या वर्क कंज्यूमर डिवाइस है। तो आप कह सकते हैं कंप्रेसर का काम क्या है, यूज टू इंक्रीज द प्रेशर टू लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर, आप कह सकते हैं। तो इस प्रेशर के अंदर, इस कंप्रेसर के अंदर क्या होता है, इस कंप्रेसर के अंदर क्या होता है, श्योर है प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप जान भी रहे हैं एक कंप्रेसर क्या प्रेशर इंक्रीज करता है, यदि कंप्रेसर क्या प्रेशर को इंक्रीज करेगा
निश्चित तौर पे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टेम्परेचर का। प्रेशर इंक्रीज हुआ मींस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और प्रेशर यदि इंक्रीज होता है तो डेंसिटी इनसाइड द कंप्रेसर ऑफ द फ्लूड आल्सो इंक्रीज, डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि कम स्पेस में मैक्सिमम फ्लूड क्या करता है, इंटर करता है। वो फ्लूड मींस क्या, गैस या वेपर कुछ भी हो। तो जनरली ये प्रेशर का इंक्रीज होना, टेम्परेचर का इंक्रीज होना, डेंसिटी ऑफ द फ्लूड आल्सो इंक्रीज, ये सारा घटना होता है इनसाइड द प्रेशर। ये प्रेशर के अंदर में होता है, इनसाइड द प्रेशर होता है। तो हम लोग अब देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्रेसर क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर देखेंगे क्या होता है। देखिए सबसे पहला देखेंगे क्या, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। यदि इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो इसी बोलते हैं रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। क्या बोलेंगे, रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। दूसरा क्या है, रोटरी या डायनेमिक कंप्रेसर, रोटरी या डायनेमिक कंप्रेसर बोलेंगे इसी को हम लोग। क्या बोलते हैं, इसका भी दो एग्जांपल लेते हैं, टाइप्स ये बोलते हैं या एग्जांपल लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होगा और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर होगा। कौन होगा, सबसे पहला होगा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, दूसरा क्या होगा, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर होगा। ये दो फ्लो, ये दो कंप्रेसर है किसका, रोटरी डायनेमिक कंप्रेसर का टाइप्स हुआ। अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर का टाइप क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो हम लोग देखते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं, आखिर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कब बोलेंगे और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कब बोलेंगे। तो हम लोग अभी शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, रेसिप्रोकेटिंग इंजन लीजिए, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग इंजन लेते हैं हम लोग पढ़ते क्या आ रहे हैं। देखिए रेसिप्रोकेटिंग, इसमें देखिए हम लोग पढ़ते क्या आ रहे हैं अभी तक, जैसे एज्यूम करते हैं ये दो सिस्टम है, ये है, ये दिया हुआ है इनलेट वाल्व, ये दिया हुआ है, और यहां पे क्या है लग वाल्व लगा हुआ है, ये होते हैं आउटलेट, ये होता है इनलेट, और यहां क्या होता है पिस्टन होता है, ये हो गया पिस्टन, ये हो गया मींस ये इस बीच में क्या होता है, एक बीडीसी होता है, एक क्या होता है टीडीसी होता है, इसी बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर, इसको बोलते हैं क्या टॉप डेड सेंटर बोलते हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग मींस हम लोग बोलते हैं क्या है, हमेशा ये जो है एक डायरेक्शन में ही मूव करता है। जैसे बोलेंगे क्या, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्या, जैसे जो ए हॉल हुआ, एक हॉल के अंदर ही एक डायरेक्शन में, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, अप डाउन होते रहता है, अप डाउन होते रहता है। जैसे ये क्या है, ये हमेशा क्या होता है ऊपर नीचे होते रहता है, मीन्स ऊपर गया फिर ऊपर फिर नीचे आया फिर ऊपर, मीन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, क्या होता है एक ही डायरेक्शन में। तो आप बोल सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज ओनली वन डायरेक्शनल इंस्ट्रूमेंट, ये कह सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बोल सकते हैं एक डायरेक्शन इंस्ट्रूमेंट। एक इसका जो पिस्टन होता है, ये क्या है पिस्टन है, पिस्टन मूव्स ओनली वन डायरेक्शन, पिस्टन जो मूव करता है ओनली वन डायरेक्शन करता है, कभी भी ये दो डायरेक्शन मूव करेगा, वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शनल कंप्रेसर भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि पिस्टन मूव्स ओनली वन, एक ही डायरेक्शन में अप डाउन करते रहता है। जैसे हम लोग मानते हैं, जैसे देखते हम लोग क्या है,
कोई सिलेंडर है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है, ये हो गया इनलेट, ये हो गया आउटलेट। यदि मान लीजिए ये दोनों के बीच क्या है, आप जानते हैं क्या होता है, छोटा सा बॉल्ब होता है बॉल। यदि पिस्टन और सिलेंडर के बीच गैप होती, यदि ये क्या हो गया सिलेंडर और ये क्या हो गया पिस्टन, पिस्टन, तो देखिए क्या है, ये दोनों के बीच एक क्या है गैप है, गैप है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोल सकते हैं आसानी से, यदि पिस्टन मीन्स ये पिस्टन और ये सिलेंडर, ये दोनों के बीच यदि गैप होती है तो सिलेंडर के अंदर जो फ्लूड अवेलेबल है, ये क्या है फ्लूड है, ये क्या है फ्लूड, फ्लूड अवेलेबल है वो बाहर निकल आती है किससे, गैप के थ्रू। तो हम कह सकते हैं ये क्या स्लिप हो गया, क्या हो गया स्लिप हो गया, मींस ये जो फ्लूड है सिलेंडर में, यदि पिस्टन और सिलेंडर के बीच जो गैप होता है उसे बाहर निकल आता है तो उसको बोलते हैं स्लिप हो गया, यदि बाहर निकल क्या होते हैं स्लिप हो गया, मींस फ्लूड क्या है कंप्रेस होने पर फ्लूड बाहर निकल आता है जिससे कंप्रेस नहीं हो पाता है। तो हम कह सकते हैं यदि फ्लूड बाहर निकल आता है, यदि इफ फ्लूड कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर देन वी नो एज नोन एज निगेटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर बोलते हैं। तो यदि बाहर आई तो, बट इफ नॉट बाहर, यदि स्लिप नहीं तो इफ देन वी से इफ स्लिप नहीं होती है, इफ स्लिप नहीं होती, यदि स्लिप नहीं होती है वी नो एज दिस, वी नोन एज दिस टाइप ऑफ कंप्रेसर, दिस टाइप ऑफ कंप्रेसर इज नोन एज, नोन एज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर बोल सकते हैं। तो हम लोग पॉजिटिव निगेटिव समझ गए क्या, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर क्या होता है, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर क्या होता है, उसको समझने का आसान तरीका है क्या, आप देखिए सिलेंडर और पिस्टन, आप जानते भी हैं पिस्टन और सिलेंडर के बीच थोड़ा गैप होता है, उस गैप से यदि फ्लूड जो है सिलेंडर से बाहर निकल आता है, मीन्स कंप्रेस करने पर कंप्रेशन नहीं हो पाता है, फ्लूड बाहर निकल आता है किससे, थ्रू द गैप से, देन वी नोन एज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। बट यदि स्लिप नहीं होता है, मींस आप कह सकते हैं फ्लूड वर्किंग फ्लूड जो है गैस या वेपर जो भी है, यदि बाहर नहीं निकल आता है, नहीं निकल पाता है थ्रू द दिस गैप, इस गैप से, तो आप कह सकते हैं क्या, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर कह सकते हैं। तो ये हुआ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। दूसरा हुआ क्या, देखिए बी नंबर क्या होता है, डायनेमिक रोटरी, रोटरी और डायनेमिक, डायनेमिक कंप्रेसर, ये होते हैं, ये हो गया। देखिए इसमें देखिए क्या होता है, ये जो यूज होता है, ये जो कंप्रेसर यूज होता है
यूज्ड टू डायनेमिक एक्शन ऑफ लोड मींस दिस टाइप ऑफ कंप्रेसर आर यूज्ड टू डायनेमिक एक्शन ऑफ लोड मींस डायनेमिक एक्शन होता है इसमें डायनेमिक मींस क्या मोशन का एक्शन होता है मोशन के कारण इसमें प्रेशर इंक्रीज करता है जैसे सबसे पहला हम लोग लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर लेते हैं तो आप जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर में एक होता आई जिसको क्या बोलते हैं आई बोलते हैं और इसके अंदर होता है एक इम्पेलर क्या होता है इम्पेलर होता है ये क्या हो गया इम्पेलर हो गया इम्पेलर गया इस इम्पेलर का मीनिंग क्या होता है रोटेटिंग पार्ट्स मींस आप कह सकते हैं क्या ये पार्ट इम्पेलर क्या करता है रोटेट करता है मूव करता है और इसके बाद क्या होता है एक डिफ्यूजर होता है ये हो गया डिफ्यूजर डिफ्यूजर हो गया मीन डिफ्यूजर मीन्स क्या ये डिफ्यूज जो वर्किंग फ्लूड है गैस या वेपर जो भी लीजिए वो उसको बाहर निकालता है और ये क्या है देखिए एक कैसिन होता है इससे क्या होता है बाहर निकलता है। तो देखिए आई क्या है इसको सबसे इनर पार्ट जो है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का इनर पार्ट को आई बोलते हैं उसके बाहर पार्ट को इम्पेलर बोलते हैं वही क्या रोटेट करता है और उसके बाहर को डिफ्यूजर बोलते हैं क्या बोलते हैं डिफ्यूजर बोलते हैं देखिए कैसे वर्क करता ये है देखिए देखिए हम लोग क्या बोले हैं इसमें एक क्या है रोटेटिंग पार्ट है ये रोटर जो है जिसको इम्पेलर बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं रोटर भी बोल सकते हैं ना रोटर जितना ही अधिक ये रोटर जो है जितना ही अधिक स्पीड से घूमती है फ्लूड को उतना ही अधिक काइनेटिक एनर्जी मिलता है मींस ये रोटर का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा जितना अधिक मूव करेगा फ्लूड को काइनेटिक एनर्जी अधिक मिल जाएगा और वह काइनेटिक एनर्जी के साथ फ्लूड क्या होता है बाहर निकलता है तो वह डिफ्यूजर में चला जाता है तो ये जो हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलता है फ्लूड बाहर की ओर तो वो डिफ्यूजर में पहुंच जाता है मींस आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी जो है प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जो कि डिफ्यूजर में होती है मींस आप कह सकते हैं जो प्रेशर का राइज हुआ है वो डायनेमिक एक्शन ऑफ फ्लूड के कारण हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं क्या देखिए if impeller or rotor speed increase, the kinetic energy of the fluid also increase. Then the fluid comes out from the rotor, means impeller, with high kinetic energy and goes to the diffuser.
गोज टू द डिफ्यूजर मीन्स आप कह सकते हैं क्या, दिस काइनेटिक एनर्जी मीन्स वी से दिस काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द प्रेशर एनर्जी विच अकर्स इनसाइड द डिफ्यूजर विच अकर्स इनसाइड द डिफ्यूजर मीन्स प्रेशर इंक्रीज ड्यू टू द डायनेमिक एक्शन ऑफ फ्लूड आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, डायनेमिक ये जो प्रेशर इंक्रीज किया लेकिन किसके कारण इंक्रीज किया, डायनेमिक एक्शन के कारण इंक्रीज किया, प्रेशर तो इंक्रीज हुआ डायनेमिक एक्शन के कारण हुआ। तो यदि मान लीजिए एज्यूम डेट को डिफिनेशन पूछ दे आपसे, व्हाट इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मेंट कंप्रेसर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो देखिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन दिस कंप्रेसर प्रेशर इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम इन ए कन्फाइंड स्पेस दैट इज प्रेशर इंक्रीज इज ऑब्टेन बाय डिस्प्लेसिंग द फ्लूड टू ए लेसर वॉल्यूम इज नोन एज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। इसी बोलते हैं रोटरी क्या होता है, रोटरी या डायनेमिक, कंप्रेसर क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए क्या है, इन दिस कंप्रेसर इसमें क्या होता है, कैनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू द फ्लूड बाय रोटेटिंग एलिमेंट मीन्स रोटर इज कन्वर्टेड इन टू प्रेशर इनर्जी इन द डिफ्यूजर डेट इज इंक्रीज इन प्रेशर इज ऑब्टेन ड्यू टू डायनेमिक एक्शन ऑफ गैस। ये वाला डिफिनेशन किसका,
रोटरी इंजन का। तो देखिए अब देखिए दूसरा देखिए क्या हो गया, पहला पार्ट ये हो गया दूसरा पार्ट। अब देखिए दूसरा देखिए पॉइंट हम क्या देखेंगे, प्रेशर डेवलप। क्या बोलेंगे? प्रेशर डेवलप। यदि प्रेशर डेवलप होता है अप टू 10 बार, प्रेशर डेवलप अप टू 10 बार, तो आप कह सकते हैं क्या, प्रेशर यदि 10 बार तक डेवलप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लो प्रेशर बोलेंगे। लेकिन 10 बार से 80 बार के बीच में प्रेशर मेंटेन रहता है, 10 बार से 80 बार के बीच प्रेशर मेंटेन रहता है, इसको बोलते हैं मीडियम प्रेशर। क्या बोलते हैं? मीडियम प्रेशर बोलते हैं। यदि प्रेशर 80 बार से ज्यादा होता है, ई प्रेशर अकर्स एबव 80 बार इज नोन एज हाई प्रेशर बोलते हैं। जैसे एज्यूम करते हैं ये क्या है, कंप्रेसर है। क्या है? कंप्रेसर है। एज्यूम डेट ये क्या है, कंप्रेसर है। और ये क्या है, इनलेट है, इनलेट है। और ये क्या है, आउटलेट है। यदि आउटलेट प्रेशर बटा इनलेट, दोनों का रेशियो निकालते हैं, किसका, आउटलेट प्रेशर, आउटलेट प्रेशर बटा इनलेट प्रेशर का क्या करते हैं, इनलेट आउटलेट प्रेशर और इनलेट प्रेशर रेशियो निकालते हैं। यदि ये प्रेशर रेशियो जो है, कौन प्रेशर रेशियो, यदि ये प्रेशर रेशियो जो है 1.1 हो तो उस प्रेशर को निकालने, उस प्रेशर को डेवलप करने के लिए, प्रेशर रेशियो इतना डेवलप करने के लिए हम लोग सिंपली फैन का यूज करते हैं, यूज करेंगे इसका, फैन का। लेकिन यदि प्रेशर रेशियो हाई हो, मींस आउटलेट प्रेशर ज्यादा हो, इनलेट प्रेशर क्या है, कम हो। यदि प्रेशर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो, मींस प्रेशर रेशियो 1.1 से 2.3 के बीच में यदि लाना होता है, उस समय जो यूज करते हैं हम लोग डिवाइस, उसको बोलते हैं ब्लोअर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लोअर्स बोलते हैं। लेकिन यदि प्रेशर रेशियो जो है 2.3 से ज्यादा करना पड़ता है, एवब 2.3, तो उस समय हमको देखना पड़ता है कौन सा लेंगे, कंप्रेसर लेंगे। बस वही कंप्रेसर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी भी देखना पड़ता है, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी भी देखना पड़ता है। यदि कोई भी कंप्रेसर है, कोई भी कंप्रेसर है, यदि वॉल्यूम फ्लो रेट मींस वो कितना वॉल्यूम को क्या करता है, कितना वॉल्यूम को क्या मींस आप कह सकते हैं पर मिनट, कितना मीटर क्यूब पर मिनट वो क्या करता है, क्रिएट करता है। यदि अप टू 9 मीटर क्यूब पर मिनट वो क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। अप टू इतना होता है वॉल्यूम फ्लो रेट, मींस फ्लोइंग का टेंडेंसी जो है, फ्लो रेट क्या है उसका, पर मिनट यदि इतना है उसको लो प्रेशर बोलते हैं। लेकिन 9 से 3000 मीटर क्यूब पर मिनट होता है उसको मीडियम प्रेशर बोलते हैं। लेकिन 3000 से ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर बोलते हैं। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। जनरली एक क्वेश्चन क्या एग्जाम हॉल में आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देगा आपका, ये वो भी देगा और ये भी देगा, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देगा आपको, कि यदि बोल देगा वॉल्यूम फ्लो रेट मींस कोई भी कंप्रेसर है वो जो है वर्क करता है पर मिनट 9 मीटर क्यूब वॉल्यूम के ऊपर, तो उसको बोलेंगे लो प्रेशर। यदि वो वर्क करता है, फ्लो रेट उसका कितना होता है, मींस फ्लोइंग टेंडेंसी जो होता है पाइप के द्वारा, इतना के बीच 9 to 3000 मीटर क्यूब पर मिनट होता है उसको मीडियम प्रेशर बोलते हैं। यदि एवब होता है कितना, 3000 मीटर क्यूब पर मिनट से, उसको बोलते हम लोग हाई प्रेशर बोलते हैं। जैसे एक बार फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। क्या करेंगे स्टार्ट, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर स्टार्ट करेंगे। तो आप जानते हैं इसे बोलते हैं सेक्शन वाल्व बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज वाल्व बोलते हैं। ये पिस्टन होता है और ये सिलेंडर होता है, ये बीडीसी होता है और इसी के बीच कहीं टीडीसी भी होता है, टीडीसी। लेकिन तत्काल हम लोग चलिए टीडीसी भी दिखाते हैं, टीडीसी दिखाते हैं। और यहां से एयर क्या होता है, सक्शन में एयर जो है सिलेंडर में इंटर करता है। और यहां पे क्या रिसीवर होता है जो कि रिसीव करता है,
किसके थ्रू, थ्रू द डिस्चार्ज वाल्व, यहां से डिस्चार्ज बाहर जाता है और सेक्शन वाल्व की इसे एयर अंदर जाता है। तो सेक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन वाल्व एंड डिस्चार्ज वाल्व आर स्प्रिंग लोडेड वाल्व, इसको बोल सकते हैं क्या, स्प्रिंग लोडेड वाल्व भी बोल सकते हैं। किसको, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को आप सेक्शन वाल्व भी बोलिए, डिस्चार्ज वाल्व भी बोल सकते हैं, या आर स्प्रिंग लोडेड वाल्व। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन रिटर्न वाल्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व बोलते हैं, मीन्स दे वर्क ओनली इन वन डायरेक्शन, नॉन रिटर्न वाल्व। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है नॉन रिटर्न वाल्व का मतलब क्या हुआ, नॉन रिटर्न वाल्व का हुआ मतलब कि दे वर्क ओनली इन वन डायरेक्शन। देखिए एक डायरेक्शन कर रहा है ना, नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर, मीन्स एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा है। देखिए और इसको विस्तार से पढ़ना है, मूव कर रहा डायरेक्शन में। तो उसी नॉन रिटर्न वाल्व का मीनिंग क्या होता है, नॉन रिटर्न वाल्व का मीनिंग होता है दे वर्क ओनली इन वन डायरेक्शन। नॉन रिटर्न वाल्व ऑटोमेटिक और स्प्रिंग लोडेड और वर्क ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ये जो प्रेशर डिफरेंस के कारण वर्क करता है, मीन्स रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो वर्क करता है, वर्क ड्यू टू कंप्रेस प्रेशर डिफरेंस के कारण ये वर्क करता है। तो और नॉन रिटर्न वाल्व को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट एंड डिस्क टाइप बोलते हैं। जनरली ये क्वेश्चन बराबर आता है ऑब्जेक्टिव में, नॉन रिटर्न वाल्व इज आल्सो नोन एज प्लेट एंड डिस्चार्ज टाइप, क्या बोलते हैं, प्लेट एंड डिस्चार्ज टाइप बोलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, इसका पीवी डायग्राम बनाएंगे, किसका, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का पीवी डायग्राम बनाएंगे और इसमें एक बार टीडीसी मीन्स क्लियरेंस वॉल्यूम लेंगे। क्लियरेंस वॉल्यूम होता क्या है वो जस्ट देखते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम लेंगे और एक बार क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं लेंगे, दोनों के ऊपर हमको वर्क निकालना है और देखना है क्लियरेंस वॉल्यूम देने के बाद और क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं देने के बाद दोनों में क्या अंतर है। जैसे आप कह सकते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम होता क्या है, व्हाट इज क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए क्या है, एक सेक्शन है, ठीक है,